मणिशंकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, एक बार उनके पास चलते हैं पहले। और सर आपसे मेरा पहला सवाल है, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि विरोध करने के लिए आप किसी भी चीज का विरोध करिए ये ठीक नहीं है, आप सहमति दायर कीजिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन वो देश के किसी राज्य के या वहां की जनता के फेवर में, हक में होना चाहिए, उनके भले के लिए होना चाहिए। जब ये आपके निजी हित के लिए हो जाता है तब वो देश के लिए और राज्य के लिए खतरनाक होता है। क्या कहेंगे इस पर? अध्यादेश के बारे में कह रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग बिल। मैं इस सर्विस बिल पर ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में ये जो सर्विस बिल लाया गया है सदन के सामने, पार्लियामेंट के सामने, ये पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय इसलिए है कि इसके पहले कभी इस तरह से चुनी हुई सरकार के खिलाफ कभी बिल पार्लियामेंट में नहीं आते थे। लेकिन हमारे देश में 8 टेरिटरी हैं, मतलब संघ शासित 8 राज्य हैं, उसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें कि दिल्ली में ही ये बिल को लाना पड़ा और दिल्ली सरकार के विरोध में केंद्र सरकार को ये बिल जो है पार्लियामेंट के सामने ला करके और इस बात को कहना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार, इसके पहले भी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, जब दिल्ली का राज्य का गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की जब से बनी है तब से राज्यपाल बनाम सरकार, सरकार बनाम राज्यपाल, मैं समझता हूँ कि जितना युद्ध दिल्ली में देखने को मिला वो किसी भी केंद्र शासित राज्यों में देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक चुनी हुई सरकार, जब जनता सरकार चुनती है तो उसको अधिकार मिला है और जनता से चुनी हुई सरकार पर अगर हम अंकुश लगाते हैं लेकिन ये तो वो भी लोकतंत्र के लिए खतरा है सर, और लोकतंत्र का इससे नुकसान होता है। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूं। लेकिन इस बात पर विशेष चर्चा करने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उसके दो दो मंत्री जेल में हैं, वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा है, वहां भ्रष्टाचार का धंधा है, और इसके कारण मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को यह बिल जो है पार्लियामेंट में लाना पड़ा है, जिसमें आज विपक्ष भी चर्चा कर रहा है, लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। लेकिन पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूं कि जो भी सरकार बनी उस सरकारों के विपक्ष में, गवर्नर के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, सरकार के बीच में कभी ऐसा युद्ध नहीं रहा जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है। ठीक है, और केंद्र शासित दिल्ली होने के नाते इससे हमारी अवमानना पूरे देश में और दुनिया में भी होती है कि एक केंद्र शासित दिल्ली सरकार, आखिर क्या कारण है कि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और सरकार के साथ जो है ये युद्ध बराबर चलता रहता है। ठीक है सर, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को विवश होकर के दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को देखते हुए कहीं न कहीं उस पर अंकुश लगाने के लिए बिल आया है। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये जरूर कहना चाहता हूँ कि चुनी हुई सरकार के जो अधिकार होते हैं उसको कभी कम करना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास, जब हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता अपना सारा अधिकार सरकार में निहित करती है, नौकरशाही में नहीं करती है। ठीक है।